Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 9, exercise 9.4, जो कि optional chapter है. इनके question number 1 में solve कर रही for class 9. Question which is given, parallelogram ABCD and rectangle ABEF are on the same base AB. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक rectangle है और दूसरा parallelogram है. और दोनों जो है वो सेमी बेस पे हैं, ठीक है. पैरेललोग्राम जो है हमारा ए बी सी डी और जो रेक्टेंगल है वो है हमारा ए बी ई एफ. दोनों सेम बेस पे है और सेमी पैरेलल के बिटवीन में है, देयरफॉर उनके एरिया इक्वल होगी. बट यहाँ पे कुछ और पूछा गया है, एंड हैव इक्वल एरिया. ये बताया भी गया है कि इनकी एरिया इक्वल है, सो दैट द पेरिमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल. हमें शो करना है कि जो पैरेललोग्राम की पेरिमीटर होंगे वो रेक्टेंगल की पेरिमीटर से अधिक होगी. हमें यही प्रूफ करना है. गिवन क्या क्या है, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी ई एफ आर ऑन सेम बेस ए बी एंड एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी. इतना पार्ट हमें गिवन है. हमें प्रूफ जो करना है टू प्रूफ ए बी रेक्टेंगल, सॉरी किसी का भी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड है ना. तो हमें जो प्रूफ करना है हमारा रेक्टेंगल ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी ग्रेटर देन ए बी प्लस में बी ई प्लस में ई एफ प्लस में एफ ए. ये हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर है. तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि ये हमारा ए बी जो है, ए बी साइड जो है वो रेक्टेंगल का भी है और इसका भी है, मतलब पैरेललोग्राम का भी है, क्योंकि सेम साइड्स हैं दोनों, सॉरी सेम ही बेस पे दोनों पैरेललोग्राम बने हुए हैं. रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम के अंतर्गत ही वो भी आता है, दैट्स व्हाई सेम बेस पे हैं. एक तो ये इक्वल हो गया. दूसरी चीज क्या है कि पैरेललोग्राम के भी ओपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी. और दूसरा ए बी इक्वल टू ई एफ, क्योंकि रेक्टेंगल का भी जो ओपोजिट साइड होता है वो भी इक्वल होता है. तो प्रूफ करते हैं. ओके, ए बी इक्वल टू, सॉरी पहले लिख दूं मैं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी ई एफ. दोनों में आप कंपेयर करते हैं, दोनों के साइड से कंपेयर करते हैं. तो दोनों में क्या है कि ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों में ए बी है ना, कॉमन साइड कॉमन बेस है दोनों का, कॉमन बेस है. दूसरा ए बी इक्वल टू सी डी एंड ऑल्सो इक्वल टू ई एफ. ये लिखेंगे हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स है. तो वी कैन से दैट कि सी डी इक्वल टू ई एफ. ये हो गया दो साइड्स जो है को इक्वल हो गए.
अभी ए बी हमारा इस पैरेललोग्राम में भी है और रेक्टेंगल में भी है, और ये जो हमारा ए बी के बराबर ही ए बी ओपोजिट साइड है इसका पैरेललोग्राम का, दैट्स वाई सी डी भी इसके इक्वल है, और ए बी के ही ओपोजिट ई एफ भी है, इट मीन्स ई एफ भी ए बी के इक्वल है। जब ए ए बी के इक्वल सी डी भी है और ई एफ भी है तो दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब चलते हैं बट इन, अब हम यहां पे चेक करते हैं ए साइड जो है हमारा वो पैरेललोग्राम का है, ओके, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट मींस यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, दैट्स व्हाई यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और उसमें हैबिटुनस का पार्ट जो है वो कौन सा है, पैरेललोग्राम का साइड है, ओके। इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड बी सी ई, ए डी ए डी ग्रेटर देन ए एफ एंड बी सी ग्रेटर देन बी ई, विच इज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, है ना, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का साइड भी है, ये इस ट्राइंगल में ये ए एफ साइड जो है वो रेक्टेंगल का साइड है और ए डी जो है वो पैरेललोग्राम का साइड है, सिमिलरली बी ई जो है वो रेक्टेंगल का साइड है और बी सी जो है वो पैरेललोग्राम का साइड है, और चूंकि ये विच इज सिंस यहाँ पे और भी ऐड करेंगे, सिंस हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ग्रेटर, है ना, हैपेटुनस जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का ग्रेटर होता है, इसे हम इक्वेशन वन बना देंगे, इसे इक्वेशन टू बना देंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए डी प्लस में बी सी ग्रेटर देन, ये दोनों ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन ए एफ प्लस में बी। अब दो साइड तो इक्वल है, मतलब इनके दो साइड्स जो है वो इक्वल है, बट दो साइड्स जो है वो ग्रेटर होने के वजह से देयरफोर पेरिमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल ए बी ई एफ, ए बी ई एफ रेक्टेंगल से जो साइड सॉरी पेरीमीटर है वो पैरेललोग्राम का बड़ा है। आई होप, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि सपोज दैट कुछ चीजें हैं, है ना, सपोज दैट कुछ चीजें हैं, ये रहा, है ना, अब ये दोनों, अब मैं दोनों को अलग अलग बना देती हूँ इस तरीके से, ये रहा, तो यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ये तो इक्वल है, बट इनका जो ये है जो अनइक्वल है, ये अनइक्वल है, ये दोनों साइड्स जो है वो अनइक्वल है, इट मींस इनका बड़ा है और इनका छोटा है, दैट्स व्हाई ये पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल के पेरिमीटर से, रेक्टेंगल के पेरिमीटर जो है पैरेललोग्राम के पेरिमीटर से छोटी है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।